हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी तोमर। वेलकम टू क्लब स्नातक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारी थर्ड यूनिट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो यूनिट कवर कर लिए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसको डिटरमाइन करने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और देखेंगे इसमें कि प्लानिंग कैसे की जाती है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग अगर हम सीधी भाषा में समझे तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वैल्यूज, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स यूज करने देती है और उसके बदले में वो एक रॉयल्टी चार्ज करती है या फीस लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे दी है, आप पढ़ लीजिए। जैसे ब्रांड, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस टू द अदर एंटिटी, मतलब जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस को एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करती है और उसके रिटर्न में क्या करती है, एक मॉनेटरी कंसिडरेशन रखती है कि उसके रिटर्न में उनको एक रॉयल्टी फीस वगैरह चाहिए होती है, इसको क्या बोलते हैं हम फ्रेंचाइजिंग। और फ्रेंचाइजिंग हमारी 3 लेवल्स पे होती है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लोकल लेवल पे। लोकल लेवल ऑफ फ्रेंचाइजिंग कैन बी कॉल्ड टू बी डन फॉर एक्सपेंडिंग अ बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लोकल लिमिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब हम जब अपने डिस्ट्रिक्ट के बीच में, सिटी और स्टेट के बीच में जब हम लोकल लेवल पे फ्रेंचाइजिंग करते हैं, इसको हम लोकल लेवल कहते हैं। जब हम विद इन अ सिटी या विद इन अ स्टेट हम जब कोई फ्रेंचाइजिंग कर रहे होते हैं। नेशनल लेवल पे क्या होता है, फ्रेंचाइजर्स हैविंग अ ब्रांड एट नेशनल लेवल। ठीक है, जो उसकी फ्रेंचाइजर की बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू है वो नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी होती है। तो इससे क्या होता है, विद इन अ कंट्री जो भी हमारी फ्रेंचाइजिंग होती है उसको बोलते हैं नेशनल लेवल की, जो एक विद इन अ कंट्री होती है। फ्रेंचाइजीज बेनिफिट्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ अ नेशनल लेवल बिजनेस अट्रैक्टिंग हायर कस्टमर बेस। इससे क्या होता है, जो भी हमारे हायर कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं इससे, जिससे हमारा बिजनेस की लिमिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड पे आता है ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल जो होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के बीच में हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम ग्लोबल लेवल। फ्रेंचाइजर्स हैविंग ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्री विद द मॉडिफाइड ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ नेटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, जब हम बहुत सारे देशों के साथ, एक से ज़्यादा देशों के साथ मिलकर जब फ्रेंचाइजिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल लेवल पे। जैसे मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है आपने, सबवे का नाम सुना है, ये क्या है, एक फ्रेंचाइजिंग है जो ग्लोबल लेवल का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द फ्रेंचाइजी लोकेशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रेंचाइजी की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, अब जाहिर सी बात है जहाँ की कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रेंचाइजी की जो लोकेशन है वो भी डिफर करेगी। अगर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोकेशन पर फ्रेंचाइजिंग ओपन नहीं हो पाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन कम है तो ज़्यादा हमारी फ्रेंचाइजिंग ओपन हो जाएगी। कॉम्पिटेंट फ्रेंचाइजी, हमें देखना है मार्केट में कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होंगे तो ये हमारी फ्रेंचाइजिंग को इफेक्ट करेगी, तो हम कम शॉप्स वगैरह अपनी ओपन करेंगे। अगर कॉम्पिटिशन कम होगा तो ज़्यादा करेंगे। एक्सपर्टाइज ऑफ फ्रेंचाइजी टेक्नीशियन एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपर्टीज होते हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, जो टेक्नीशियंस होते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर ईजिली अवेलेबल होंगे या ईजिली अच्छे उसमें सैलरी पैकेज में अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, फ्रेंचाइजी लोकेशन भी हमारी मैटर करती है तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। रीच ऑफ द ब्रांड, ब्रांड की रीच क्या है, अगर कस्टमर के माइंड में पहले से उस ब्रांड को लेके इमेज बनी हुई है कि ये ब्रांड बहुत अच्छी है तो जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे भी हम ओपन करेंगे वो इजीली रीच आउट हो जाएगी कस्टमर तक। ठीक है, आगे आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे मोरालिटीज होती हैं, बेसिक नॉर्म्स वगैरह होते हैं जो सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती है। तो कोई भी अब कंपलसरी हो गया, अगर कोई भी बिजनेस अपना चला रहा है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे हो गए कोड ऑफ कंडक्ट हो गए बिजनेसेस के, एथिकल प्रिंसिपल्स हो गए, मोरल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो करना। फीचर्स ऑफ CSR, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे CSR के, वॉलेंटरी और मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी है CSR,
कंपनीज एक्ट के द्वारा जो हमारा सीएसआर है वो मैंडेटरी हो गया है कि आपकी अगर टर्नओवर का टर्न जो भी आपकी बिजनेस की टर्नओवर है उसका 2% आपको सीएसआर में देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको सर्विसेज देनी होती हैं इन सोसाइटी, आपको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे काम करना होता है। जिस एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस चल रहा है उस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल एंड इकोनॉमिकल अलाइनमेंट, यहाँ पे सोसाइटी का और इकोनॉमिकल अलाइनमेंट का भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, सोसाइटी में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जा सके। वो इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी इंटरनेशनल नए नए ट्रेड्स आ रहे हैं उनको फॉलो करना, कैसे आप उसको एक पॉजिटिव वे में सोसाइटी में कन्वे कर सकते हैं। गुडविल, गुडविल का मतलब है आपकी कंपनी की, आपकी बिजनेस की इमेज लोगों की नजरों में जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके बिजनेस आगे रन कर पाएगा। इसलिए भी सीएसआर जरूरी है ताकि आपके जो बिजनेस की इमेज है वो काम के साथ साथ आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिफ्लेक्ट करे कि आप सोसाइटी में कितना योगदान दे रहे हैं। सोशल अवेयरनेस होना कि कौन सी, लोगों को अवेयर करना कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, समय समय पर काम करना सोसाइटी में, बेसिकली अच्छे से काम करना। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी गाइडलाइंस हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको सही तरीके से फॉलो करना, उनको कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं करना, सारे काम लीगल तरीके से करना, ये क्या होता है हमारे गवर्नेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको हमें जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना। सेकेंड आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है हमें जैसे हमारे बिजनेस से हम अपने देश की इकोनॉमी को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे हम काम कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इसलिए तो ये हमारे 3 पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब आते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसमें इसमें क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब है हमारा किसी भी चीज के लिए एक फॉर्मेशन करना, प्रोफॉर्मा बनाना बेसिकली, कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अकम्प्लिश हो पाए। ठीक है, इसमें हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। द टूल्स यूज इन दिस प्रोसेस आर स्वेट एनालिसिस एंड पेस्टल एनालिसिस। स्वेट में क्या आता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, मतलब जो जिस एनवायरनमेंट में हम अपना बिजनेस ओपन करने वाले हैं उसकी, उसमें हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी ह्यूमन कैपिटल कैसी है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इन सब स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते। वीकनेस मतलब कस्टमर का टेस्ट कैसा है, एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब इफेक्ट करता है। अपॉर्चुनिटीज में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं या कौन कौन सी पॉलिसीज आने वाली हैं जिनको हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्रेट्स, जो भी कोई भी अननोइंगली थ्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी थ्रेट्स मतलब पेस्ट एनालिसिस होती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल और एनवायरमेंटल चीजों को देखना है। जैसे पॉलिटिकल क्या क्या इशू हैं, उनका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इकोनॉमिक तरीके से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सोशली लोग कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं हमारे बिजनेस पे, सोशल सोसाइटी का ध्यान रखना। टेक्नोलॉजिकल, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया उसको हम कैसे डिफीट करेंगे, उससे हम कैसे उस चीज को अपॉर्चुनिटीज में चेंज करेंगे। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का कैसे हम ध्यान रखेंगे या एनवायरमेंट हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको कैसे सही करना है, ये सारे 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। आगे मूव करते हैं, आगे है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग होता है हमारा जो हमने स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी है उसकी डे टू डे रिकॉर्डिंग करना या उसकी डे टू डे एक्टिविटी करना ताकि जो हमारा जो मेन जो गोल है उसको अकम्प्लिश किया जा सके। ठीक है, अब हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे दोनों में, स्ट्रेटेजिक में और ऑपरेशनल में क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग से हमें पता चला है स्ट्रेटेजिक में क्या होता है। एक हम द प्लानिंग फॉर अचीविंग द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑपरेशनल क्या होता है, जो भी हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में काम किया होता है उसके ऊपर वर्क करना, डे टू डे प्लानिंग करना उस चीज में, उसमें मतलब डे टू डे एक्टिविटीज करना। ऑपरेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस ऑफ व्हाट इज टू बी डन टू अचीव द टेक्निकल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो हमारे
जो भी हमने प्लानिंग करी उसको कैसे अचीव किया जाएगा, वो टर्म ऑफ प्लानिंग। जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल क्या होती है शॉर्ट टर्म होती है। विजन क्या होता है एक्सट्रोवर्ट एंड, और ऑपरेशनल का होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर सारा हमें देखना है, और ऑपरेशनल में क्या आता है इंट्रोवर्ट मतलब इंटरनली हमें सारी चीजें देखनी है। अब आते क्रिएटर स्ट्रेटेजिक कौन बनाता है, स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं जो टॉप लेयर के मैनेजमेंट होते हैं। ऑपरेशनल आ जाते हैं हमारे मिडिल मैनेजमेंट जो करते हैं, मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं। आउटलुक क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एक वाइड स्कोप है, बड़े तरीके से देखा जाता है और इसका स्कोप भी बहुत वाइड है। ऑपरेशनल का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है क्योंकि वो इंटरनल तक ही सीमित है। इसलिए चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस आर यूजली नॉट अफेक्टेड फ्रिक्वेंटली ओनली एट द टाइम ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसमें कुछ बेसिकली ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं तब इसमें चेंज करे जाते हैं। तो ऑपरेशनल क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस मॉडिफिकेशन अल्टरनेशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव टाइमली प्लान चेंज आफ्टर ईच अचीव्ड गोल। तो इसमें क्या होता है समय समय पर हमारे चेंजेस करे जाते हैं ताकि जो हुई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी गई है उसको इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट किया जा सके। स्कोप क्या होता है, प्लानिंग ऑफ विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी प्लानिंग करिए उसका विजन बनाना मिशन और ऑब्जेक्टिव तैयार करना। इसमें क्या होता है ऑपरेशनल में प्लानिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशनल्स कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, जो भी डे हर एक दिन की एक्टिविटी होती है उसको ऑपरेशन मतलब एक्टिविटी में कन्वर्ट करना और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। आगे चलते हैं डिसीजन मेकिंग रिलेशनशिप विद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या क्या डिसीजन मेकिंग होती है जब हम मैनेजमेंट को बनाते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल इन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज रिलेवेंस एंड प्रिवलेंस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी मैनेजमेंट में कि कैसे डिसीजन अच्छा किया जाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जितना अच्छा आपका डिसीजन होगा उतना ही अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। आगे चलते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले आती है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब हम क्या जो हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, कि क्या क्या गाइडलाइंस हम बनाएंगे कि ताकि जो हमारा प्लान है मतलब जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। प्लानिंग करने के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना एक जगह पे, फिर ऑर्गेनाइज करके उसको काम करना। ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग करना। थर्ड आता है स्टाफिंग। अब हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, जो जो सामान हमें चाहिए था वो हमने इकट्ठा कर लिया। अब उस काम को करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, तो लोगों को लोगों यहाँ पे होती है स्टाफिंग, कि जो भी स्पेशलिटी वाले लोगों को स्पेशल उसमें लगाया जाता है, जैसे अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स में लगाया जाएगा, सेल्स वाले को सेल्स में लगाया जाएगा। तो क्या करा जाता है इसमें स्टाफिंग की जाती है, लोगों की भर्ती की जाती है ताकि जो भी हमारा गोल है उसको अचीव किया जा सके सही समय पर। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स हो गई, फिजिकल रिसोर्स हो गई, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गई, इन सब के ऊपर ध्यान रखना, इन सबको इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट करना या इतने अच्छे तरीके से बनाना ताकि जो हमारा गोल है वो अच्छे तरीके से अचीव हो पाए। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग भी कर ली हमने, डायरेक्टिंग कौन किसको क्या डिसीजन देगा, क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटीज है, वो सब दे दिया हमने। अब हमें ये भी तो देखना है कि जो हमने सब लोगों को अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो काम दिया है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं। तो कंट्रोलिंग में मतलब आ जाता है हमारा सुपरविजन करना, तो उस काम को अच्छे तरीके से किया जा रहा भी है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस किस तरीके से की जाती है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उस तरीके के प्रोग्राम्स में कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं आता है। सेकंड है हमारा रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। रूटीन में मतलब जो कोई भी छोटी मोटी रूटीन का कोई डिसीजन लेना है तो उसको कैसे लेना है, जैसे किसी वर्कर की सैलरी पे करनी है या किसी को छुट्टी देनी है तो किस तरीके से करना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कुछ डिफरेंट, जैसे किस मार्केट में कुछ डिफरेंट आ गया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसमें क्या स्ट्रेटेजी आपकी चलेगी, तो ये आ जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में। फिर आता है ग्रुप डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। जहाँ पे ग्रुप डिसीजन की ज़रूरत है वहाँ पे ग्रुप डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पे पर्सनल डिसीजंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे पर्सनल डिसीजंस लिए जाते हैं। मेजर एंड माइनर डिसीजंस, जैसे
कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है मार्केट में अचानक से, तो आप उससे कैसे वो कॉम्पिटिट करेंगे, तो ये क्या होगा, एक मेजर इशू हो गया, इस पे कैसे आप डिसीजन लेंगे। माइनर डिसीजन होगा जैसे छोटा मोटा कुछ भी, किसी को छुट्टी वगैरह चाहिए या लीव चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये क्या होगा, छोटे तरीके के जो भी डिसीजंस हैं उनको बोलते हैं माइनर डिसीजंस। सेकंड आता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या क्या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं डिसीजन को लेने के लिए, सबसे पहले एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसी, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस को रन करने का, तो वो बेहतर डिसीजंस ले पाएगा, एक क्वालिटेटिव डिसीजन ले पाएगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। इनिट्यूशन है जजमेंट, मतलब कौन किसकी इनिट्यूशन को कितनी जल्दी पकड़ पाता है, मतलब किसको कितनी जल्दी भाप लेता है कि किसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्या स्किल्स हैं, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। स्वेट को एनालाइज करना, पेस्टल को एनालाइज करना, फैक्ट क्या क्या है उसको एनालाइज करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, लोगों के दिमाग को पढ़ना कि आप किसको कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सब, ये सब क्या होती है हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स को डिसीजन मेकिंग करनी। थैंक यू, दैट्स ऑल। आगे कोई भी आपका डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।